हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वीला फॉर्चून डबल वन डबल वन मैं हूं आप टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई हो कि आप सब बहुत अच्छे हो, हो गाइस सो so, आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके दिल में जो भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स कैसे रहेगी आपकी लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में सो so, एक टाइमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है यानी कि आप जब भी देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो मेल फीमेल या थर्ड जेंडर आप सभी के लिए है आप सब देख सकते हैं पेड रीडिंग्स के लिए इनर्जाइज जेमस्टों क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर इंस्टाइरीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा सो so, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज़ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स फॉर नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स के लिए आप जानना चाहते हैं we have 3 of cups we have king of wands we have queen of cups सो नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी कैसा महसूस करेंगे वो उस समय में ओके okay. तो so सबसे पहले चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि उन्हें uh, अडेप्टिव एनर्जी में आना है ठीक है मुझे दिख रहा है कि वो आपसे बहुत हद तक डिफरेंट है जब बात आती है खाने पीने की लाइफ की इच्छाओं की ठीक है सोच की बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों के पीछे बहुत डिफरेंसेस हैं एज डिफरेंस भी हो सकता है और ऐसे भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं ठीक है सो आपके पर्सन को ऐसा फील होगा ना कि आप दोनों डिफरेंट हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे के क्वालिटीज़ या फिर एक दूसरे का इन्वायरमेंट अडाप्ट कर सकते हो ओके okay, तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हाँ अगर आपको बहुत रोमांटिक पर्सन uh, बहुत लविंग uh, बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन पसंद है तो उन्हें वैसा बनना है ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ लाइक अगर आपकी कैसे भी इच्छा है या फिर आपका ऐसा है कि एक क्यों ना एक होता है ना लिस्ट कि लव लाइफ में पार्टनर ऐसा 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 होना चाहिए तो हो सकता है आपके पर्सन को उस बारे में आइडिया हो और नेक्स्ट फोर्टीन आवर्स में वो ऐसा फील करें कि भले ही वो पूरा आपकी तरह नहीं चेंज हो सकते लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों को वो जरूर कर सकते हैं आपके एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं खुशी खुशी आपके चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं प्यार से एंड जो जिस चीज़ में वो रेसिप्रोकेट करने लायक हैं या कर सकते हैं उसमें वो उन्हें रेसिप्रोकेट वग़ैरह करना चाहिए तो वो वो बोलते हैं बोलते हैं ना ढालना किसी चीज़ पे तो उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें आपके पसंद के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी है ठीक है अडॉप्ट करना है आपके इन्वायरमेंट को और जिस तरीके से आपको हैप्पीनेस मिलती है उन्हें कोशिश करना है कि वो उस चीज़ में प्रेजेंट रहकर कर उस चीज़ में खुशियों को ढूंढ पाए या खुशियाँ खुश रह पाएँ बेसिकली उन्हें ऐसा फील होगा ओके <coughs> तो अगर आपके पर्सन कोई बैरियर क्रिएट करते थे या फिर डोमिनेट uh, करते थे या फिर वो कहते थे ये सही नहीं है वो सही नहीं है ये तुम्हारा पसंद नहीं वो तुम्हारा पसंद नहीं तो उनका माइंड चेंज होता हुआ नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में आपके पर्सन फील करेंगे कि उन्हें लेवलअप करना है आपके साथ ठीक है आपके साथ उन्हें हर एक चीज़ों में रहना है हर एक चीज़ों में अवेलेबल रहना है प्रेजेंट रहना है पार्टिसिपेट करना है और आपके साथ इस कनेक्शन में लेवलअप uh, उन्हें करना है ठीक है तो वो कहीं कही ना कहीं उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि उन्हें आपके साथ और भी ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा आपको अपनाने की जरूरत है इस रिश्ते को अपनाने की ज़रूरत है ठीक है इस रिश्ते में प्यार के साथ एंड बहुत पैम्परिंग एनर्जी के साथ कंटिन्यू करने की ज़रूरत है ठीक है क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि आप दोनों के अंदर वो पोटेंशियल है बात है तो कहीं ना कहीं वो जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में उन्हें वो एक्सेप्ट करेंगे ठीक है और उन्हें ऐसा फील होगा कि नहीं डिफरेंसेस है कोई बात नहीं लेकिन हम उसे आराम से एक्सेप्ट कर एक बेहतरीन ज़िंदगी साथ में जी, जी सकते हैं ऐसा आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये ख्याल आएगा और उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें मेहनत करनी है या उन्हें आपके साथ टीम वर्क में रहना है हमेशा ताकि आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो ताकि उनको भी कभी अकेलापन महसूस ना हो और आप दोनों के बीच में कभी दूरियाँ ना बन पाए ओके तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि बहुत अच्छी अपलिफ्टेड वाली फीलिंग्स में ये इंसान रहेंगे बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ओके और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 एट आवर्स में आपके पर्सन को Uh, कोई अप्रिशिएशन भी किसी से मिल सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेकर लाइक कोई आपको या आप, आप दोनों के कनेक्शन को उनके सामने हो सकता है प्रेस करे और बोले कि आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा या आप कितने अच्छे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए एक्सेट्रा जिससे वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि नहीं उन्हें मेहनत करनी है इस रिश्ते को जिताने के लिए या रिश्ते को लाइफ टाइम कायम रखने के लिए ओके okay? सो so, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं बहुत अच्छी फीलिंग्स आपके पर्सन की नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में रहेगी उनका नेक्स्ट मूव वगैरह देख लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है सेपरेशन है या अभी सिचुएशनशिप है चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं है देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में हमारे पास है दमाइसा हमारे पास है ट्रस्ट एंड वी हैव प्रोजेक्शन ओके सो देखिए इस पर्सन की नेक्स्ट मूव मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में कुछ ऐसा नेक्स्ट मूव लेंगे जिससे आप दोनों की मीटिंग पॉसिबल होगी या फिर वो आपको बोलेंगे कि आपसे वो मीट करना चाहते हैं उनका नेक्स्ट मूव बहुत कुछ ज़्यादा अमेजिंग तरीके से मैजिकल वे में कुछ नहीं होगा लेकिन हाँ ऐसा जरूर एफर्ट ये डाल सकते हैं जिससे नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ही आपकी मीटिंग हो जाएगी ठीक है अगर आप दोनों की आप दोनों पास रहते हो या पॉसिबल है मीट करना सरप्राइज़ मीटिंग भी हो सकती है कि या इंसान आपको सरप्राइज दे और अचानक से आपको बुलाए और आपसे मीट करे आपके पास आ जाए या फिर येक्स्ट ये फोर्टी आवर्स में आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बात कर सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और मिलकर सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है नेक्स्ट मूव में या तो ये आपसे डायरेक्ट मिलेंगे नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ही और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट होंगी या फिर ये इंसान आपको कन्वे करेंगे कि दे वॉन्ट टू तो मीट यू एंड वो मिलकर आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रोसीड करना चाहते हैं दूर या नहीं रखना चाहते आप दोनों के बीच में इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में कैसी रहेगी ओवरऑल हर एक चीज में आपका एनर्जी कैसा रहेगा हमारे पास है जस्टिस हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स मेरे पास है थ्री ऑफ वोन्स एंड वी हैव टू ऑफ वोन्स ओके okay. सो so, देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स आपका माइंडसेट आपका लाइफ कैसा रहेगा नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में सो so, देखिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे आपके अपने जिंदगी को लेकर चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर हो चाहे कोई भी चीज़ हो आपसे आप जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उस चीज़ को लेकर आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे एंड बिगर पिक्चर में देखेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा आपको ऐसा फील होगा कि फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आ रहा है चाहे वो करियर के रिलेटेड हो मनी से रिलेटेड हो लव लाइफ से रिलेटेड हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके अंदर एक आशा जागेगी एक होप जागेगा मन में कि भले सिचुएशन प्रेजेंट का आपका कैसा हो फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाले हो एंड एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपका स्टेट अनस्टेबल है अभी मेंटली इमोशनली या फिर बहुत अच्छा भी नहीं है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में जैसे स्टेट में आप हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे हील्ड फील करेंगे एंड ऑप्टिमिस्टिक फ़ील करेंगे ओके okay? सो so, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ करने वाले हो नक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में अपने स्किल्स पे अपने हॉबीज़ पे फोकस करोगे अपने स्किल या हॉबीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ करोगे अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करोगे थोड़ा टाइम अपने वर्क को ज़्यादा दोगे ठीक है लेजीनेस ये सब आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा नेक्स्ट फोर्टी आवर्स में ओके okay? आप कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजाइज uh, करेंगे एंड यू नो इंटरप्रेट करेंगे एंड सारी चीज़ों को देखेंगे कि आपके सेविंग्स क्या है या फिर आप किस तरीके से लाइफ को स्पेंड कर रहे हो कहाँ कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो कहाँ कहाँ करनी चाहिए कहाँ कहाँ नहीं करनी चाहिए सो so, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्वेंटी एट आवर्स में आपकी माइंड सेट पूरी तरीके से प्लानिंग्स डिटॉक्सीफाइंग एंड यू you नो know, न्यू रूटीन या शेड्यूल बनाने में या न्यू uh, अच्छी एनर्जीज़ को रिसीव करने में बिजी रहेगी एंड uh, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स स्पेंट होगा नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपके कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि आपको जस्टिस दिलाएंगे चाहे छोटे पैमाने में हो चाहे बड़े पैमाने में हो अभी किसी भी तरीके से हो सकता है हो सकता है रियूनियन हो आपके पर्सन के साथ हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन अपोलॉजी हो सकता है आपके करियर में कोई ऑफर आपके करियर में ग्रोथ फाइनेंशियल गेन या फिर कोई भी चीज़ से मुक्ति कोई भी प्रॉब्लम से मुक्ति मिलना सो so बेसिकली मुझे लग रहा है कुछ ऐसे इवेंट्स एक से ज़्यादा इवेंट्स आपके लाइफ में नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में होंगे जो कि आपको जस्टिस दिलाएंगे किसी भी तरीके से जिससे आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि ओके okay, मुझे ये चाहिए था मैं डिजर्व करती थी या करता था एंड नाउ आई गॉट इट मुझे मिल गई मुझसे ये काम बन गया मुझसे हो गया सक्सेसफुली ठीक है तो ये किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन वगैरह भी हो सकती है या फिर कोई चीज़ से अगर आप डील कर रहे हो तो उसमें आपको जीत किसी कंपटीशन में आपको जीत मिल सकती है इस तरीके की चीज़ें नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ज़रूर होगी तो ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे अपने लाइफ को लेकर गॉड को लेकर एंड आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एंड प्रोटेक्टेड रहोगे नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में मुझे नहीं दिख रहा है कि आप अनस्टेबल फील करोगे या इमोशनली ड्रेन फील करोगे या वनरेबल फील करोगे किसी के सामने आप बहुत ज़्यादा बैलेंसड प्रोटेक्टेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं एंड अच्छे माइंड स्टेट में आप रहोगे जहाँ पे आप एक ही चीज को लेकर ज्यादा पड़े नहीं रहोगे ओके okay? चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं ओके ओके सो नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो किस तरीके से खा रहे हो अपने डाइट पे अपने हाइड्रेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एंड यूनिवर्स आपको ये भी ये गायरेंस देना चाह रही है कि आप अपने खाने पर ज़रूर ध्यान दें ज़्यादातर ओके okay, uh, क्या आप खा रहे हो हो सकता है कि आपका डाइट हेल्दी नहीं है हो सकता है आप घर का खाना ज़्यादा नहीं खा पाते हो या फिर हो सकता है आप घर का खाना खाते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयली एंड बहुत ज़्यादा यू नो एंड फैट्स से भरा हुआ है या फिर हो सकता है कि यू you नो know, आप मंचिंग ज़्यादा कर लेते हो या फिर एक जो बेसिक प्रॉपर डाइट होता है यू you नो know, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट्स फैक्टर्स बैलेंस्ड वे में रहेंगे उस तरीके से आप खाने की कोशिश करें बिकॉज आपका आपके खाने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और यूनिवर्स ने जब ये मैसेज भेजा है तो ज़रूर ये आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए है ठीक है ताकि आपको कोई तबीयत खराब ना हो आपका या फिर कोई यू you नो know, प्रोलॉन्ग इलनेस ना हो इस तरीके की चीज़ों से बचाने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं तो ज़रूर अपने खान पान पर ध्यान दें आप क्या खा रहे हो रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे किस तरीके की आपकी डाइट है इस पर ज़रूर ध्यान दें और इसे एक हेल्दी तरीके से बदलने की कोशिश करें और हेल्दियर साइड को ज़रूर चुनें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओके कभी कभार वीकली मंथली इट्स ओके फाइन बट ये ज़रूर अपने डाइट पर खाने पर ज़रूर ध्यान दें ओके okay? ये एक uh, गाइडेंस है जो कि सिर्फ फोर्टी एट आवर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे लाइफ के लिए इसे ज़रूर अप्लाई करें ओके एंड फ्रेश खाइए ठीक है कोई भी खाना अगर लेफ्ट ओवर हो जाता है तो उसे इनटेक ना करें बिकॉज उसकी जो क्वालिटीज़ होती है न्यूट्रेटिव क्वालिटीज़ वो पूरी तरीके से मर जाती है ठीक है और गॉड ने ही ये कहा है कि जो भी खाना आप खाते हो वो फ्रेश बना कर खाया करो नेक्स्ट डे अगर आप उसे इनटेक लेते हो बना हुआ जैसे कि बहुत लोग बना कर रख देते हैं फ्रिज में नेक्स्ट डे खाते हैं बचा हुआ रख देते हैं नेक्स्ट डे खाते हैं तो वो चीज़ ठीक है वेस्ट खाना नहीं करना चाहिए लेकिन उसकी न्यूट्रिएटिव वैल्यूज़ कुछ बची नहीं रहती है अगर हम बासी खाना खाते हैं तो ठीक है और उससे भी इलनेस गैस्ट्रिक ईशूज़ लीवर इशूज़ ओके स्टमक इशूज़ बहुत जल्दी इंक्रीज होते रहते हैं बाय द टाइम ठीक है तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें एंड चू ज़रूर करें कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि आपको च्यू करने को कहा जा रहा हो सकता है आप खाना खाते हो और आप ज़्यादा उसको चबाते नहीं हो ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन मुंह में लेकर ज़्यादा चबा कर उसे खाओ ताकि डाइजेशन आपका इम्प्रूव हो तो कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है डायजेशन की इशूज़ भी आपकी बहुत है और वो ठीक ही नहीं होते हैं तो इस वजह से होता है कि आप च्यू बहुत जल्दी जल्दी करते हो और वो अच्छे तरीके से यू नो च्यू नहीं हो पाता है पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है तो ज़रूर अच्छे से च्यू करें और च्यू करके खाएं और टाइम ले अपना टाइम ले लेकर आराम से खाएं कोई जल्दबाजी नहीं है ओके सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है तो उस अच्छी एनर्जीज को यूटिलाइज़ करें ठीक है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें एंड हमेशा जो है ना अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानें ओके सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आपको पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस सब तक के लिए बाय बाय